आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज इस क्वेश्चन में हमें ये फंक्शन दे रखा है और हमें बताना है कि ये x इज इक्वल्स टू जीरो पे कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एट x इज इक्वल्स टू जीरो पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू जीरो ऑफ नेगेटिव, तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू जीरो और मैं x की जगह क्या ले लूँगी, 0 माइनस एच। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 माइनस एच का स्क्वायर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू जीरो, तो मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2h डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू जीरो, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, हम जानते हैं cos 2h का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दूंगी, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और मेरे पास ऊपर क्या बच गया, लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0 2 इंटू साइन, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि हमारे पास एक होता है फॉर्मूला कि लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू जीरो साइन एच अपॉन एच इज 1, तो यहाँ पे मेरी लिमिट क्या हो जाएगी, 1, तो मेरे पास आंसर क्या बच गया, 2। अब मैं निकालूंगी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू जीरो नेगेटिव, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे क्या मिलूंगी, 0 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू जीरो 1 माइनस कॉस 2 इंटू 0 प्लस एच। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो अगेन मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू जीरो 1 माइनस कॉस 2h डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अब मैं फिर से कॉस 2h का फॉर्मूला लगा दूंगी जो मैंने ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट में भी लगाया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल एंड साइन स्क्वायर एच बाय एच स्क्वायर में लिमिट लगा दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। और हमें दे रखा है कि एफ ऑफ जीरो पे हमारी वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, तो इसका मतलब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही है लेकिन हमारी फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं दी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगी, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा फ्रेंड्स, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल का 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।